किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ पहला मिशन प्रयान अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी धन्यवाद। अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Honorable dignitaries, delegates, scientists, media personnel, and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan 3 mission's landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra, are your hosts for the evening, and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan 3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the powered descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of powered descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's South Polar region. मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच धन्यवाद आरुषि। अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे, हमने अपनी पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंड मॉड्यूल निश्चित तौर पर चंद्रमा की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस की संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मून मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LBM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LBM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान 2 काफी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा। अब तक चंद्रयान 2 चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड OHRC यानी कि ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा की सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। अब मैं आरुषि जी से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनर मिशंस का विवरण। अब चलते हैं टुवर्ड्स चंद्रयान। नमस्कार, इसरो के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। मैं पद्मदेव मिश्रा अपने को होस्ट श्रीमती आरुषि सेठ के साथ आप सभी को और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 23 अगस्त 2023 आज की शाम इसरो के वैज्ञानिकों और सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। जी हाँ, इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे। आप ये सारे विजुअल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी मॉक से देख रहे हैं, जो कि बेंगलुरु में स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है। ये विजुअल्स आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन और उस पथ को प्रदर्शित कर रहा है जिसपे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा।
आपको ध्यान दिला दूं, इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं। जो दर्शक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोग इस ऐतिहासिक पल को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट फेसबुक ट्विटर का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी। मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे, हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पर चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशन को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के सौ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LVM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान 2 काफी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा। अब तक चंद्रयान 2 चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड OHRC यानी कि ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा की सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। अब मैं ROC जी से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनर मिशंस का विवरण। अब चलते हैं टुवर्ड्स चंद्रयान 3, द फॉलोअप मिशन ऑफ चंद्रयान 2, व्हिच हैज बीन डिजाइन टू अकॉम्प्लिश आवर मिशन गोल्स। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3 मिशन इज द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सर्फेस। दिस डेमोंस्ट्रेशन इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट फॉर इसरोज फ्यूचर इंटरप्लैनेटरी मिशंस। In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in-situ scientific experiments on Moon's surface. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket, LVM-3, on the 14th of July, Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers. The fifth apogee raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 127,000 kilometers. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 384,000 kilometers for its rendezvous with the Moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon. An orbit of 288 by 369,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, translunar injection किसी भी interplanetary mission के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरिलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। TLI के तरह LOI भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेग मान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके, अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। LOI के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रोपल्शन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान 3 के वेग मान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। पुनः लैंडर मॉड्यूल के ऑर्बिट को 2 ड्यूबूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25x130 किलोमीटर के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रटेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सबसिस्टम को
पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। Make it further that is true indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system and associated guidance, control and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग लगभग चंद्रयान 2 की तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियाँ चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, एलएचबीसी, एलडीवी और एलएचडैक का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। एलडीवी जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजिशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सीलोरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कॉम्पिटिशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफ़ी ऊँचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर 4×2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। अपार्ट फ्रॉम द सेंसर्स, चंद्रयान 3 इज इक्विप्ड विद अ सुइट ऑफ सोफिस्टिकेटेड पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाइल चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 ऑर्बिटर हैव प्रोवाइडेड अबंडेंट रिमोट सेंसिंग डेटा ऑफ मून, इक्वली इंपॉर्टेंट आर द ऑन साइट लोकलाइज्ड मेजरमेंट्स दैट प्रोवाइड ग्राउंड ट्रुथ्स। Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind and
An experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल चार चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Bellalu, Bengaluru. The data is being acquired real time by station and is flown to the mission operation complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into four phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, attitude hold phase, जो कि power descent का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के दो महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। ड्यूरिंग द रफ ब्रेकिंग फेज द लैंडर वेलोसिटी शैल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 1680 मीटर्स पर सेकंड टू 358 मीटर्स पर सेकंड। द ऑल्टीट्यूड विल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 30 किलोमीटर्स टू 7.4 किलोमीटर्स एट द एंड ऑफ रफ ब्रेकिंग। Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसएन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग लगभग शून्य हो जाएगी। द साइंटिस्ट्स हियर एट ISTRAC आर ग्लूड टू देयर सिस्टम्स एनालाइजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा। वी आर वेरी क्लोज टू द पावर डिसेंट टू द स्टार्ट ऑफ द पावर डिसेंट फेज। जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के दो इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकेंड लगाएगा। इस पड़ाव पर आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकेंड के लिए हॉवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग लगभग 30 सेकेंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। डियर व्यूअर्स, द पिवोटल पावर डिसेंट हैज बिगन एंड द लैंडर मॉड्यूल इज प्रोपेलिंग टुवर्ड्स द मून सरफेस अलोंग द इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी।
जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package LIRAP is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेग मान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers during the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. RUCC, अभी हम इस ground race को देखते हुए कह सकते हैं कि rough braking phase की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी projected ground race है, उसी पे अपना lander module आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। द मिशन ऑपरेशंस टीम इज एनालाइजिंग द डेटा। वी कैन ऑल सी द सीरियसनेस एंड द कंसंट्रेशन विद विच ईच एंड एवरी पैरामीटर ऑफ द लैंडर मॉड्यूल इज बीइंग एनालाइज्ड। द परफॉर्मेंस सो फार सीम्स टू बी नॉमिनल। जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलीनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। ड्यूरिंग द एंटायर डिसेंट देयर इज नो ग्राउंड इंटरवेंशन एज द ALS हैज टेकन चार्ज। The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल, जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर यह भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। द लैंडर इमेजर इज कंटिन्यूअसली टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द मून सर्फेस एंड दैट इज ऑल्सो बींग स्ट्रीम्ड हियर। करेंटली द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds.
the lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 से 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 12 km, is currently 22 km, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the powered descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the powered descent. We have currently travelled a downrange of 697 km, and the downrange that has to be travelled during this phase is 713.5 km. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। एट द सेम टाइम वी कैन सी द आल्टीट्यूड ऑफ द लैंडर इज जस्ट 17.8 किलोमीटर फ्रॉम द मून सर्फेस, विच इज गोइंग टू बी अराउंड 7.4 एट द एंड ऑफ द रफ ब्रेकिंग फेज। इस फेज के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द एटीट्यूड होल्ड फेज, वेयर वी विल बी एक्सपेक्टिंग सेंसर अपडेट फ्रॉम द लेजर एंड कार बैंड ऑल्टीमीटर्स। वी कैन सी द विजुअलाइजेशन ऑफ द लैंडर मॉड्यूल मूविंग टुवर्ड्स द मून सर्फेस। द करंट ऑल्टीट्यूड इज नियरली 15.2 किलोमीटर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इज 754 किलोमीटर्स। We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer. Mission from ground.